जय हिंद हमारे सभी प्यारे दोस्तों को, स्वागत है हमारी कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी पे। आज हमारे यहाँ से फाइनल सेलेक्ट होके जो गर्ल्स खड़ी हुई है, दिल्ली पुलिस में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। सभी जानते हो कि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल निकालना था वो लोहे के चने चबाना था, क्योंकि कम टाइम पे और सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल थी। लेकिन इन बच्चों ने दिन रात मेहनत की यहाँ पे और आज हमारे यहाँ फाइनल सेलेक्ट होके खड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम एकेडमी की तरफ से उनका सम्मान करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मेडिकल किट है पूरा, खा जाना ये। चलिए अब हम चलते हैं गर्ल्स के पास और पूछेंगे उसने आखिर इस एकेडमी पे कितने दिन प्रैक्टिस की थी और कहाँ की रहने वाली थी और कितने एग्जाम दिए हैं। जिससे क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, अगर एक आध एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, अरे मेरी किस्मत में नहीं है, लगता है मेरी नौकरी नहीं लग सकती। तो आखिर संघर्ष किस तरह से करना चाहिए, आज इस बिटिया से हम पूछेंगे कि आखिर कौन से कितने चांस आपने एग्जाम के दिए और इसके बाद आपका फाइनल हो गया। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा सिंह। पूर्णिमा कहाँ से थी? पूर्णिमा आप सर बालामो जंक्शन, बालामो हरदोई से। हरदोई से थी जी, जी। पूर्णिमा इस एकेडमी पे आपने कितने दिन प्रैक्टिस की थी? सर 15 दिन। 15 दिन आपने की थी। इसके पहले कभी कोई एग्जाम आपने दिया था? सर 2 बार जीडी का। अच्छा 2 बार जीडी का दिया था। किसमें रह जाती थी पूर्णिमा आप? सर रिटर्न ही नहीं, एग्जाम नहीं निकला। अच्छा एग्जाम ही आपका नहीं निकला था, फिजिकल में आप पहुंची ही नहीं थी। अच्छा जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल था, लगभग कितनी गर्ल्स को दौड़ाया गया था आपके बैच पे? सर 50। 50 बच्चों को, 50 में कितनी पास कर पा रही थी? सर 24 लड़कियां रेस क्वालिफाई था। हाँ। और 16 फाइनल में पहुंची थी। 16 फाइनल में पहुंची थी जी सर, लॉन्ग जंप हाई जंप के बाद। नहीं टोटल जो बैच बनना था वो 100 का बन रहा था कि 50 का बन रहा था? अच्छा 100 लड़कियों का था। 100 में कितनी पास हुई थी? सर 16। अच्छा 100 में 16 पास हो पाई थी टोटल। और फाइनल सबका हो गया ज्यादातर? क्या मेडिकल वगैरह टफ हो रहा था दिल्ली पुलिस का? सर बहुत टफ नहीं था पर हाँ ठीक था। अच्छा मतलब ज्यादा टफ नहीं था, इजी था। क्या मेडिकल में भी लड़कियों को बार ज्यादा कर रहे थे वहाँ पे? हाँ सर कुछ 5% लगभग कर रहे थे। अच्छा आप यूपी छोड़ के दिल्ली जा रही हैं, आपके घर वाले कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यूपी तो स्टेट की नौकरी होती है और दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, अलाउंस भी ज्यादा होते हैं। आगे क्या करने का प्लान है आपका? सर थोड़ा सा और ऊपर बढ़ना चाहते हैं। अच्छा पीसीएस करना चाहते हैं। अच्छा पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो आप दिल्ली पहुंच गई हैं। लोगों का सपना होता है कि काश हमारे पास इतना पैसा हो कि हम दिल्ली पहुंचे, लेकिन एक दिल्ली पुलिस में स्केल भी अच्छा है और आप ज्वाइन होकर जा रही हैं तो आगे पीसीएस की तैयारी करेंगे। तो आप देख रहे हो कि बच्ची ने जो दिल्ली पुलिस पे फाइनल सेलेक्ट हुआ है और इनका आगे भी सपना है कि हम लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, यहीं से हम स्टॉप नहीं कर देंगे, आगे पीसीएस क्या है, क्योंकि सब कोई सोचता है कि अगर दिल्ली जाने को हमको मिल जाए, क्योंकि पास में आपका मुखर्जी नगर पड़ता है और जो मुखर्जी नगर पहुंच गया अगर उसने ज्यादा मेहनत अच्छे से कर ली तो उसका सिलेक्शन आगे के लिए भी हो जाता है। तो ये है जो उन्होंने 3 एग्जाम दिए, 2 बार उसका एसएससी जीडी का दिया और फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन आज जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया और फाइनल सेलेक्ट होके यहाँ पे खड़ी हैं। तो कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए, कोई भी हो, चाहे इंडियन आर्मी की नौकरी हो, पुलिस की हो, अगर आप मन से पढ़ाई करोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है।